गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारा ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 77 तक सॉल्व कर लिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 77 तक सॉल्व कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में 77 के स्थान पर 78 लिखा गया था, तो वो जो लास्ट क्वेश्चन का नंबर 78 लिखे थे ना, वो एक्चुअल में 77 होगा, तो आप उसे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 77 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हम बताए थे कि लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पेयर हैप्लॉइड है, निम्न में कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा हैप्लॉइड है। ऑप्शन है ए नंबर न्यूसिलस एंड एंटीपोडल्स, तो न्यूसिलस तो डिप्लॉइड होता है इसलिए आंसर नहीं होगा। बी नंबर है एंटीपोडल सेल एंड एग सेल, तो ये एंटीपोडल सेल और एग सेल ये दोनों हैप्लॉइड होता है इसलिए आंसर तो हो जाएगा बी नंबर। आगे पढ़ देते हैं ऑप्शन, एंटीपोडल सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, तो ये डिप्लॉइड होता है, ये भी नहीं होगा। न्यूसिलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो न्यूसिलस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों में से कोई भी हैप्लॉइड नहीं होता है, तो दोनों जो हैप्लॉइड है वो है एंटीपोडल सेल एंड एग सेल, इसलिए आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में कौन अलग, ऑड वन है, कौन अलग टाइप का है, तीन एक जैसा होगा एक अलग टाइप का होगा। ऑप्शन है न्यूसिलस, एम्ब्रायोसैक, माइक्रोपाइल और पॉलन ग्रेन, तो हम जानते हैं कि न्यूसिलस, एम्ब्रायोसैक और माइक्रोपाइल ये तीनों ओव्यूल का हिस्सा है, ये तीनों ओव्यूल में प्रेजेंट रहता है, और ये जो पॉलन ग्रेन है ये ओव्यूल में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो अलग कौन हुआ, पॉलन ग्रेन हुआ, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनगेमी का अर्थ है, सिनगेमी का क्या मतलब है, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर्स और फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्स। तो सिनगेमी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को ही हम सिनगेमी भी कहते हैं, सिनगेमी ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड होता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी एक ही होता है, इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, मेल फीमेल गेमिट फ्यूज करेगा वो कहलाएगा सिनगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकोट एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट है, मोनोकोट एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट कौन है, माइक्रोस्पोरेंजियम, न्यूसिलस, माइक्रोस्पोर या फिर स्टामेन, इसमें कौन ऐसा वर्ड है जो कि हैप्लॉइड है, तो वो है माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर जो है ना ये एंथर के अंदर में बनता है और यहीं से मेल गेमिटोफाइट की शुरुआत होती है, इसलिए मोनोकोट एंजियोस्पर्म का मेल गेमिटोफाइट क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स के फीमेल गेमिटोफाइट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एंजियोस्पर्म के फीमेल गेमिटोफाइट को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल, सी नंबर है एम्ब्रायोसैक और डी नंबर में है न्यूसिलस, तो इसका सही आंसर यहाँ होगा एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक के अंदर में ही ना फीमेल गेमिट बनता है और इसीलिए एम्ब्रायोसैक को ही हम कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से समझना है, लेजर किरणों द्वारा जेनरेटिव सेल को नष्ट कर दिया गया, लेजर किरण के माध्यम से पोलन ग्रेन के अंदर के जेनरेटिव सेल को नष्ट कर दिया गया। जेनरेटिव सेल क्या होता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर का हुआ सेल जो कि डिवाइड होकर के दो मेल गेमिट बनाता है उसी को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल, तो जेनरेटिव सेल को लेजर किरण से नष्ट कर दिया गया, लेकिन नॉर्मल पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, फिर भी पोलन ट्यूब बन गया, जेनरेटिव सेल को नष्ट कर दिया गया लेकिन फिर भी पोलन ट्यूब बन गया, क्योंकि अब ऑप्शन है,
वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं होता है। तो आंसर तो यहाँ पर यही हो जाएगा। अभी बाकी ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। लेजर किरण का यूज किया गया, पोलन ग्रेन के अंदर के जेनरेटिव सेल को नष्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी वह अंकुरित हुआ और पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। उसका कारण यह है कि जेनरेटिव सेल तो नष्ट हुआ लेकिन पोलन ग्रेन के अंदर में वेजिटेटिव सेल रह गया, तो वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं हुआ, इस वजह से वो पोलन ग्रेन अंकुरित हो गया। ठीक है, आगे पढ़ देते हैं। ऑप्शन फिर बी नंबर में है, कंटेंट्स ऑफ किलर जेनरेटिव सेल स्टिमुलेट पोलन ग्रोथ। मतलब कहता है कि जो जो डेथ जेनरेटिव सेल है ना, जो डेथ जेनरेटिव सेल का जो भी कंटेंट्स है वह पोलन ग्रोथ में स्टिमुलेट करता है, पोलन ट्यूब की वृद्धि को वो संपन्न करता है। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। फिर सी नंबर में है, लेजर बीम स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि वो जो लेजर किरण जो होता है ना वो पोलन ट्यूब की वृद्धि को स्टिमुलेट करता है, ये भी नहीं होगा। फिर है, द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। मतलब जो लेजर किरण का यूज किया गया वह पोलन ट्यूब की वृद्धि के लिए हानिकारक नहीं होता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सही आंसर है ए नंबर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स का मेल गेमिटोफाइट कब झड़ते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स का मेल गेमिटोफाइट कब झड़ते हैं। कब झड़ने का बात है तो मतलब पोलन ग्रेन झड़ना, पोलन ग्रेन के अंदर में ही मेल गेमिट बनता है ना, वो कब झड़ता है। ठीक है, तो ए नंबर है, फोर सेल्ड पोलन ग्रेन, थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एंथर। हम लोग जानते हैं कि 60% प्लांट में पोलन ग्रेन जब झड़ता है ना, एंथर से निकलता है, तो उसमें दो सेल प्रेजेंट रहता है, और 40% प्लांट में वो थ्री सेल्ड कंडीशन में झड़ता है। तो यहाँ पर टू सेल्ड वाला तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या चुनेंगे, थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, जो कथन सही है उसको टिक करना है। गेमिट्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड, गेमिट्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं। स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड, स्पोर्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं। तो स्पोर हमेशा हैप्लोइड नहीं होता, कुछ स्पोर डिप्लोइड भी होता है, गेमिट तो हमेशा हैप्लोइड होता है। यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा, गेमिट हमेशा हैप्लोइड होता है, स्पोर्स हैप्लोइड डिप्लोइड दोनों हो सकता है। फिर है, गेमिट्स आर जनरली हैप्लोइड, मतलब गेमिट्स ज़्यादा करके हैप्लोइड होता है, मतलब ये कह रहा है कि कभी कभी गेमिट डिप्लोइड होता है, याद रखना गेमिट डिप्लोइड नहीं होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। बोथ स्पोर्स एंड गेमिट्स आर इनवेरिएबली हैप्लोइड, मतलब कहता है कि स्पोर और गेमिट दोनों हमेशा हैप्लोइड होता है, तो नहीं, गेमिट हमेशा हैप्लोइड होगा, स्पोर हैप्लोइड या डिप्लोइड दोनों हो सकता है। आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के 100 जायगोट या 100 दाने, दाने मतलब हो गया उसका बीज, बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी, 175, 125, 50। पिछले ही क्लास में लगभग दो क्वेश्चन इस तरह का आया था, हम बताए थे कि 100 जायगोट बनाना है या 100 दाना बीज बनाना है, तो उसके लिए हमें 100 पोलन ग्रेन चाहिए और 100 ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रायो सैक चाहिए। अब 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस डिवीजन होगा, 25 होगा कि नहीं, 25 बार मियोसिस डिवीजन होगा तो उससे 100 पोलन ग्रेन बन जाएगा, और 100 एम्ब्रायो सैक बनाने के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी, 100। तो 100 और 25 मिलकर हो जाएगा 125, आंसर सही होगा इसका क्या, सी नंबर 125। अब है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टर्स है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टर है, तो एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स। तो याद रखना है, एंजियोस्पर्म में ही केवल डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, बाकी प्लांट का कोई भी ग्रुप हो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह प्लांट एंजियोस्पर्म समूह का है। तो याद रखना है कि एंजियोस्पर्म समूह में ही केवल डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी ग्रुप के प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें नन एल्बुमिनस सीड बनते हैं, नन एल्बुमिनस सीड किसमें बनते हैं। नन एल्बुमिनस सीड का मतलब है नन इंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड,
जिस बीज में इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, और एक होता है नन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड को हम लोग एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं और नन एंडोस्पर्मिक को हम लोग नन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। तो यहाँ है कि नन एल्बुमिनस सीड बनते हैं, नन एल्बुमिनस सीड किसमें बनते हैं, यानी कि वैसा बीज जिसमें एंडोस्पर्म ना हो ऐसा बीज किसमें बनता है, मेज कास्टर विथ पी, यहाँ इसका सही आंसर होगा पी। ध्यान रखना है जितना भी डाइकॉट प्लांट्स होता है ना उसका सीड नन एंडोस्पर्मिक या नन एल्बुमिनस होगा, उसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, और जितना भी मोनोकॉट सीड होता है ना उसका सीड एंडोस्पर्मिक होगा मतलब या फिर एल्बुमिनस होगा, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर डाइकॉट सीड कौन सा है, पी मटर है, इसलिए आंसर होगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स में किसके निर्माण के लिए ट्रिपल फ्यूजन आवश्यक होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रिपल फ्यूजन होता है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि जो सेकेंड मेल गेमिट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जैसे जुड़ेगा और बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके बनाता है एंडोस्पर्म। तो ये ट्रिपल फ्यूजन किसके निर्माण के लिए होता है, एम्ब्रायो एंडोस्पर्म सीड कोट फ्रूट वॉल, तो आंसर होगा बी नंबर एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन से तो एंडोस्पर्म बनता है ना, तो एंडोस्पर्म के निर्माण के लिए ही ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसके द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन है हॉफमिस्टर नावसिन एंड गिगनार्ड, लियोवेनहॉक या स्ट्रासबर्गर, तो आंसर होगा नावसिन एंड गिगनार्ड। नावसिन और गिगनार्ड दो साइंटिस्ट ने मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड का माइक्रोपाइल किसके प्रवेश के लिए होता है, सीड का माइक्रोपाइल है ठीक है, ओव्यूल का माइक्रोपाइल नहीं है, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है ना वो सीड के माइक्रोपाइल में चेंज कर जाता है, और सीड का जो माइक्रोपाइल होता है वह अंकुरण के समय यानी बीज जब अंकुरित होता है ना उस समय उस माइक्रोपाइल से सीड के अंदर वाटर जाता है और ऑक्सीजन जाता है, तो वाटर और ऑक्सीजन के प्रवेश के लिए होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन मेल गेमिट पॉलन ट्यूब वाटर और गैसेस, एक आंसर चुनना है तो हम यहाँ पर वाटर चुनेंगे। ठीक है, अब गैसे से तो कौन सा गैस है पता नहीं, ऑक्सीजन रहता तो कुछ सोचते, तो आंसर हम चुनेंगे वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स में फंक्शनल मेगास्पोर किसमें विकसित होता है, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना वो किसमें विकसित होता है, हम बताए थे ना कि ओव्यूल के अंदर में होता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में हो जाता है मियोसिस डिवीजन तो बन जाता है चार मेगास्पोर में से तीन नष्ट हो जाता है बचता है केवल एक, तो वही एक कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर, और वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल करके क्या बनाता है, एम्ब्रायोसेक बनाता है कि नहीं, ऑप्शन देखते हैं एंडोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एम्ब्रायो या ओव्यूल, आंसर हो जाएगा एम्ब्रायोसेक। याद रखना है जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना वो आगे चल करके साइज में बड़ा हो जाएगा, क्या बनाएगा एम्ब्रायोसेक बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुमिनस सीड अपने रिजर्व फूड को किस में रखते हैं, जो एल्बुमिनस सीड है यानी कि जो एंडोस्पर्मिक सीड है जिस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है वो अपना फूड किस में रखते हैं, यानी कि जो रिजर्व फूड है जो भोजन है वो किस में जमा करके रखते हैं, पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म कॉटिलिडन और हाइपोकोटाइल, तो आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो संचित भोजन ही होता है ना, एंडोस्पर्म में सारे फूड मटेरियल को वो स्टोर करके रखता है। फिर है टैगमेन किससे विकसित होता है, अब ये टैगमेन क्या होता है, देखो सीड जो है ना सीड के बाहर दो कवर होता है, एक सबसे बाहर वाला होता है टेस्टा और उसके ठीक अंदर का होता है टेगमेन, तो ओव्यूल के बाहर भी दो कवर होता है, एक होता है आउटर इंटिगमेंट और एक होता है इनर इंटिगमेंट, तो ओव्यूल का जो कवर है ना वह बाद में सीड के कवर में चेंज कर जाता है, ओव्यूल का कवर सीड के कवर में चेंज कर जाता है, ओव्यूल के कवर को हम बोलते हैं बाहर वाले को बोलते हैं आउटर इंटिगमेंट और अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटिगमेंट, और जब ये आउटर इंटिगमेंट चेंज होगा तो बनाएगा टेस्टा, यानी कि सीड के बाहर का कवर कहलाता है टेस्टा, और जो इनर इंटिगमेंट है वो जैसे विकसित होगा तो उससे आगे चल करके बनेगा टैगमेन। तो यहाँ पर फिर से हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन, टैगमेन किससे विकसित होता है, तो टैगमेन क्या है, तो सीड का
इनर लेयर। तो इनर कवर जो होता है ना वो किससे बनता है, फ्यूनिकुलस, कलाजा, इनर इंटीगमेंट, आउटर इंटीगमेंट। नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनर इंटीगमेंट, यानी कि जो आउटर इंटीगमेंट होगा ना उससे बनेगा टेस्टा, सिर का आउटर कवर, और जो इनर इंटीगमेंट है ना उससे बनेगा सिर का इनर कवर, जिसको हम बोलते हैं टेगमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिर है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हम जानते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रायो और उससे फिर ऑफस्प्रिंग में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना निषेचन के एक फीमेल गेमिट से एम्ब्रायो बनना या एम्ब्रायो से फिर आगे चल करके ऑफस्प्रिंग बनना कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट अपना इकोनॉमिक वैल्यू खो देगा यदि उसके फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पी विधि से बनाया जाए। अब ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ओनिसेक फलन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी को फ्रूट में हम बदल देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम हार्मोन का यूज़ करते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोकार्पी, और प्राप्त होने वाले फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट। ये फ्रूट कैसा होता है, सीडलेस। तो प्रकृति में जो नेचुरली जो पार्थेनोकार्पी देखा जाता है वो कुछ बनाना में देखा जाता है, और बाकी जैसे कि अंगूर हो गया, नारंगी हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, इन सब में हार्मोन की सहायता से पार्थेनोकार्पी कराया जाता है और सीडलेस फ्रूट को प्राप्त किया जाता है। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि कौन सा प्लांट अपना इकोनॉमिक वैल्यू खो देगा यदि उसके फ्रूट को पार्थेनोकार्पी विधि से बनाया जाए। याद रखो कि पार्थेनोकार्पी विधि से जो भी फ्रूट बनेगा उसमें बीज नहीं होगा, पार्थेनोकार्पी विधि से जो भी फ्रूट बनेगा उसमें सीड नहीं होगा, वो सीडलेस फ्रूट होगा। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा जिसमें कि हम पार्थेनोकार्पी मेथड से फल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है ग्रेप्स, अंगूर, पोमीग्रेनेट, अनार, बनाना, केला और ऑरेंज, नारंगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनार, पोमीग्रेनेट। देखो अनार जो है ना, अनार का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, बीज ही तो खा लेते हैं, आते हैं कि नहीं। अब अगर अनार को हम पार्थेनोकार्पी मेथड से बनाएंगे ना तो अनार का खाली डब्बा ही डब्बा प्राप्त होगा, सिर्फ डब्बा, बाहर का केवल कवर होगा, डब्बा प्राप्त होगा और अंदर में पूरा खाली रहेगा, क्योंकि पार्थेनोकार्पी मेथड से क्या होता है, सीडलेस फ्रूट बनता है। तो अनार तो बनेगा लेकिन कि उसके अंदर में सीड नहीं रहेगा तो खाने वाला कुछ रहेगा नहीं, खाली डब्बा हो जाएगा, तो कोई खाएगा क्या, नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए अनार का जो प्लांट है उसका इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना फर्टिलाइजेशन के एक फीमेल गेमिट से एक जीव विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के एक फीमेल गेमिट से एक जीव विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है एडवेंटिटिव एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रायोनी, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर होगा इसका पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फीमेल गेमिट से एक जीव विकसित होगा, अभी बताएं ना, तो वो कहलाएगा क्या, पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना है कि पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस मैच करता है लेकिन दोनों वर्ड का मीनिंग काफ़ी अलग है, हालांकि दोनों में किसी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पार्थेनोजेनेसिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पार्थेनोकार्पी में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो याद रखना है पार्थेनोकार्पी क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बनाना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन से के एक फीमेल गेमिट को एम्ब्रायो या फिर ऑफस्प्रिंग में परिवर्तित करना कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पॉली एम्ब्रायोनी देखी जाती है, पॉली एम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता, एक सीड के अंदर अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी, एक बीज के अंदर अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो मौजूद है तो हम इस घटना को बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता। किस में देखी जाती है, सिट्रस, टर्मरिक, टोमेटो, पोटेटो, इसका आंसर होगा सिट्रस, यानी कि नींबू हो गया, नारंगी हो गया, इन सब में एक बीज के अंदर में एक से अधिक एम्ब्रायो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं,
एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट के बीच क्रॉस होता है तो इंडोस्पर्म का प्लॉयडी क्या होगा? टेट्राप्लॉयड 4n, ट्रिप्लॉयड 3n, डिप्लॉयड 2n या पेंटाप्लॉयड 5n। इसको हम जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, यानी कि देखो फीमेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है 2n, ठीक है। फीमेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है ना, फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है। और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, यानी कि मेल प्लांट जो है, देखो मेल प्लांट जो है वो टेट्राप्लॉयड यानी कि 4n के रूप में है, टेट्राप्लॉयड यानी कि 4n के रूप में है, तो उसके बीच में क्रॉस होता है, क्रॉस यानी कि वो पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर जो इंडोस्पर्म बनेगा उसका प्लॉयडी क्या होगा? इंडोस्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मेल गेमिट का फ्यूजन करना है सेकेंडरी न्यूक्लियस से और फिर आगे चल करके बन जाएगा इंडोस्पर्म। वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है? दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से। तो यहाँ पर देखो फीमेल प्लांट जो है, फीमेल प्लांट में ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा, मेल प्लांट में मेल गेमिट बनेगा। तो चूंकि मेल प्लांट टेट्राप्लॉयड 4n के रूप में है, इसलिए इसका जो गेमिट होगा ना, यानी कि जो मेल गेमिट जो होगा ना, वह मेल गेमिट हो जाएगा 2n, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि मेल प्लांट में जितना क्रोमोसोम है उसका हाफ हो जाएगा उसके गेमिट में। चूंकि मेल प्लांट टेट्राप्लॉयड 4n के रूप में है, इसलिए इसका गेमिट हो जाएगा डिप्लॉयड, यानी कि 2n, 4n से 2n हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर है मेल प्लांट, सॉरी यहाँ फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट में जैसे दो, चूंकि फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है, इसलिए इसका गेमिट कैसा होगा, हैप्लॉयड, 2n से गेमिट कैसा बनेगा, n। तो वो जो फीमेल गेमिट होगा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई, तो प्रत्येक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉयड हो जाएगा, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई है तो n प्लस n हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, 2n हो गया। तो जो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n। अब जैसे ही एक मेल गेमिट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ेगा, तो फिर बनेगा पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और वो आगे चल करके बनाएगा इंडोस्पर्म। तो यहाँ पर बनेगा इंडोस्पर्म। अब ये जो इंडोस्पर्म होगा, ये देखो 2n और 2n मिलकर के क्या हो गया, 4n, यानी कि टेट्राप्लॉयड 4n, यानी कि टेट्राप्लॉयड। तो इंडोस्पर्म कैसा होगा, टेट्राप्लॉयड होगा। देखो यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है टेट्राप्लॉयड 4n, नया समझ में, यहाँ पर सब चीज़ लिख दिए हैं, ध्यान से देखना है। कहता है कि एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड 2n है, और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड यानी 4n है, उसके बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस का मतलब होता है पॉलिनेशन होना, फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है। तो फिर इंडोस्पर्म का प्लॉयडी क्या होगा, जब मेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है तो इसका मेल गेमिट जो बनेगा ना, वो डिप्लॉयड हो जाएगा, 4n से 2n हो जाएगा। और जो फीमेल प्लांट है, ये चूंकि डिप्लॉयड है, इसलिए इसका गेमिट हैप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड तो होगा, लेकिन कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर के बनता है। तो जो दो पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, प्रत्येक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉयड होगा, यानी कि n प्लस n मिलकर के हो गया 2n, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा वो होगा 2n। अब ये 2n और 2n, यानी कि मेल गेमिट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ेगा, तो मेल गेमिट है डिप्लॉयड और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हो गया डिप्लॉयड, तो 2n 2n मिलकर के बनेगा फिर इंडोस्पर्म, और जो कि हो जाएगा 4n, यानी कि टेट्राप्लॉयड। आया समझ में? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट डिप्लॉयड है, यहाँ मेल प्लांट एंजियोस्पर्म ग्रुप का मेल प्लांट डिप्लॉयड है ना, मेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है, और फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है, फीमेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड है, तो इंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा, तो फिर इंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा वो बताना है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, मेल प्लांट है डिप्लॉयड, यानी कि मेल प्लांट क्या है, डिप्लॉयड यानी कि 2n है ना, एक एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड 2n, ठीक, और फीमेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड, फीमेल प्लांट, देखो फीमेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड यानी कि 4n है, टेट्राप्लॉयड यानी कि 4n है। तो बोलता है कि इंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा, तो हम इंडोस्पर्म पहले बनाते हैं, ये जो मेल प्लांट है ना, इसका जो मेल गेमिट होगा, जो मेल
गैमिट होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा हैप्लोइड, क्योंकि मेल प्लांट जो है वो डिप्लॉइड है 2n, तो इसका गैमिट इसका हाफ हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा, तो मेल गैमिट तो हो गया हैप्लोइड। अब ये फीमेल प्लांट जो है वो है टेट्राप्लॉइड 4n, है ना, फीमेल प्लांट कैसा है टेट्राप्लॉइड 4n के रूप में है। तो ध्यान से देखना, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लिया बनेगा ना, दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर जो इसका जो गेमिट बनेगा फीमेल प्लांट में, जो फीमेल गेमिट बनेगा वो हो जाएगा डिप्लॉइड, यानी कि 4n से उसका हाफ 2n, यानी कि 4n से क्या होगा 2n, तो 2n होगा एक पोलर न्यूक्लियाई और फिर 2n होगा दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा वो 2n से मिलकर के क्या हो जाएगा 4n, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो गया 4n। कैसे बना 4n, देखो फीमेल प्लांट कैसा है 4n यानी टेट्राप्लॉइड है, तो इसका जो गेमिट होगा वो 2n के रूप में बनेगा, यानी कि डिप्लॉइड बनेगा। अब दो पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, प्रत्येक पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होगा, 2n एक पोलर न्यूक्लियाई, 2n दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा टेट्राप्लॉइड यानी 4n। अब जब ये मेल गेमिट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जुड़ेगा तो फिर बनेगा इंडोस्पर्म, क्या बनेगा इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म का प्लॉयडी कैसा हो जाएगा n और 4n मिलकर के क्या हो गया 5n पेंटाप्लॉयडी, क्या हो गया 5n पेंटाप्लॉयड। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में यहाँ पर है हैप्लोइड, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड, हाँ यहाँ पर पेंटाप्लॉइड दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा पेंटाप्लॉइड 5n। कैसे हुआ, समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलता है कि मेल प्लांट डिप्लॉइड है, तो मेल प्लांट चलो डिप्लॉइड 2n हो गया, और फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड यानी कि 4n, तो फीमेल प्लांट हम कर दिए टेट्राप्लॉइड यानी कि 4n कर दिए, ठीक है। अब बोलता है कि इंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा, तो मेल प्लांट जब डिप्लॉइड है तो उसका मेल गैमिट हैप्लॉइड होगा, फीमेल प्लांट जब टेट्राप्लॉइड 4n के रूप में है तो इसका जो फीमेल गैमिट होगा वो 2n यानी डिप्लॉइड होगा। अब दो पोलर न्यूक्लियाई है, प्रत्येक पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होगा, तो एक पोलर न्यूक्लियाई 2n, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई 2n, जैसे दोनों मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा कैसा 4n यानी कि टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद जब ये मेल गेमिट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी 4n के साथ में जुड़ेगा तो जो इंडोस्पर्म बनेगा उसमें n और 4n मिलकर के क्या हो गया 5n, 5n यानी कि पेंटाप्लॉइड हो गया, इसलिए आंसर होगा इसका डी नंबर पेंटाप्लॉइड, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और अब ऑब्जेक्टिव क्लास अभी इसको बंद करते हैं, और हम लोग अगले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो तो हम लोग क्लास में पढ़ ही लिए थे, लेकिन फिर कभी हमको बाद में मौका मिलेगा तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बाद में हम पढ़ा सकते हैं हाँ, लेकिन कि अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का बढ़िया से तैयारी करिए आप सब, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।